गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम पवन कुमार उपाध्याय है और रिसेंटली मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कंप्लीट किया है। उससे पहले नेट जेआरएफ के थ्रू मैं पीएचडी में आया था और नेट जेआरएफ में आने से पहले नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए मैंने ग्लोबल टीचर्स एकेडमी ज्वाइन की थी। 6 महीने की प्रिपरेशन रही यहाँ की और पहला जो पेपर था उसमें थोड़ी सी मुझे दिक्कत आ रही थी, जहाँ जिसके लिए मुझे यहाँ के टीचर्स की काफ़ी हेल्प मिली। नोट्स वगैरह उन्होंने प्रोवाइड करवाए, क्योंकि यदि हम स्पेसिफिक एक बुक पढ़ते हैं तो उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि हम शायद उस पोर्शन को प्रॉपरली कवर न कर पाएँ, लेकिन एकेडमी की मदद से वो जो नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाए गए और टीचर्स की जो लगन रही उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा पहुँचा और मुझे लगता है कि वो मेरा एक स्टेप अहेड रहा। मैंने संस्कृत से नेट किया है और चूंकि मैं उस प्रिपरेशन के मतलब होकर के उसकी प्रिपरेशन की है, उसके गो थ्रू हुआ हूँ, सो आई जस्ट वांट टू से कि प्रिपरेशन करने वालों के लिए मेरे एक संदेश है कि प्रिपरेशन कभी भी एक बुक से नहीं होगी आपकी। यदि आप संस्कृत की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो जितने भी संस्कृत के टेक्स्ट हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। यूजुअली 2 तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, एक वो जो जिनका बैकग्राउंड संस्कृत का होता है, जिन्होंने शास्त्र पढ़ रखे होते हैं, एक वो जिन्होंने शास्त्र जिनका बैकग्राउंड संस्कृत का नहीं होता है। यूजुअली वो दूसरे वाले जो बच्चे हैं वो ज़्यादा थोड़े से प्रॉब्लम में रहते हैं कि इनकी तैयारी कैसे की जाए, तो उनके लिए किस तरीके से उस टेक्स्ट को अप्रोच करना है, किस तरीके से उस टेक्स्ट को जा कर के पढ़ना है और कैसे वहाँ से प्रश्न आते हैं, उन पर ज़्यादा यदि फोकस किया जाए तो शायद हम उस जो एक नदी है उसको पार कर सकते हैं, जो नेट जेआरएफ की नदी है उसको पार कर सकते हैं। धन्यवाद।